press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, welcome back to Technoc City. This is Adnaan Ahmed back with another video. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Battlegrounds Mobile India के बारे में. तो PUBG Mobile India बैन हुआ था सितंबर में लास्ट ईयर और बहुत दिनों के बाद अभी गेम वापस आने वाला है. तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे उसी गेम के लिए गेम के रिगार्डिंग. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो ऑल राइट गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें बैन के रीज़न की, वो थी प्राइवेसी इश्यूज और इंडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि इंडियन प्लेयर्स का डेटा कहीं भी दूसरी कंट्री में जाए या फिर बाहर जाए और कुछ भी गड़बड़ी हो. तो इसीलिए उन्होंने टेंशन के पार्टनरशिप के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन क्रिएट करके बैन कर दिया था गेम लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में. और अभी गेम वापस आने वाली है बिकॉज गेम का डेवलपर्स थे क्राफ्टन, जो कि एक कोरियन बेस्ड कंपनी है. और अभी उन्होंने वापस से गेम नया डिज़ाइन किया है, मतलब गेम तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. तो डेटाबेस सब कुछ चेंज करके और सारा डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा. और अभी आप लोगों को एक क्राफ्टन के थ्रू क्लीन गेम मिलेगा जिसका नाम होगा Battlegrounds इंडिया, Battlegrounds मोबाइल इंडिया, BGMI. और इसके इनके यूट्यूब चैनल जो कि पबजी मोबाइल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल था, उसका नाम चेंज करके अपना लोगो चेंज करके लोगो रिवील और प्री रजिस्ट्रेशन डेट्स तक आ चुकी हैं. तो आज की इस वीडियो में यही बात करना था. तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे सोशल मीडिया पर, तो मैंने थोड़े 2-3 या 4 पिक किए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे. क्या ये गेम दूसरे कंट्रीज़ के प्लेयर्स के साथ खेली जा सकती है जिस तरह पबजी मोबाइल इंडिया खेली जा सकती थी, पबजी मोबाइल बेसिकली खेली जा सकती थी. जैसे मैं मेरे कज़िन के साथ खेलता था, वो जो US में रहता है, तो क्या उस तरह से खेल सकते हैं? बेसिकली अगर हम सोचें, अगर हम इंडियन लेजेंड्स के बारे में बात करें, तो वो पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन इंस्टॉल करके खेल रहे थे बैन के बाद. तो पबजी कोरिया भी डिज़ाइन हुआ था बस स्पेसिफिकली कोरियन रीजन के लिए, और दूसरे प्लेयर शायद ही खेल पाते थे. हम लोग VPN लगा के खेल सकते हैं, तो इसी तरह दूसरे कंट्री के प्लेयर्स भी शायद ही VPN के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे Battleground मोबाइल इंडिया को और खेल पाएंगे मोस्टली. लेकिन अभी के लिए ऐसे ऑफिशियली तो आप गेम के अंदर सेटिंग्स चेंज कर तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे कंट्रीज के प्लेयर के साथ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विल यू गेट योर ओल्ड अकाउंट बैक, जो आपका पबजी मोबाइल इंडिया में आपका अकाउंट था जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, UC थी आपके पास स्किन्स थे, आपके पास मेहनत से जमा हुए पास के आउटफिट्स और बहुत कुछ था, क्या वो आप सब वापस मिल पाएगा? हाँ, क्योंकि गेमिंग कंपनीज बेसिकली अपने यूज़र्स के डेटा को स्टोर करती हैं और बहुत ध्यान में रखते हैं कि किस तरह प्लेयर्स रिएक्ट करेंगे आपके चेंजेस को. तो इसके लिए, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे अगर वो नहीं दिए. तो इधर गेम में सारे आपके अकाउंट के जो भी स्किन्स वगैरह थे सब कुछ आपको मिल जाएंगे Battlegrounds मोबाइल इंडिया में. और गाइज, इधर थोड़े रेस्ट्रिक्शन भी हैं प्लेयर्स पर. जो प्लेयर्स अंडर 18 हैं उनको बस 3 आवर्स खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विदाउट स्टडीज़ किए बस खेलने में लग जाते हैं. और जिस तरह हमें शायद याद होगा, बैन से पहले पबजी मोबाइल इंडिया में अबव 18 ईयर्स के लिए भी 6 आवर्स का रेस्ट्रिक्शन था. तब भी हम लोग कुछ गड़बड़ करके खेल लेते थे. 6 आवर्स तो मैं नहीं खेलता था, लेकिन हाँ, मेरे दोस्त सारे स्क्रीनशॉट डालते थे, 6 घंटे हो गए भाई अभी खेल नहीं सकता, फिर दूसरे अकाउंट से लॉगिन करते, कुछ करते. तो 6 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन तभी था. अभी के लिए अंडर 18 बच्चों के लिए 3 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन है. फिर उसके बाद प्री रजिस्ट्रेशन गाइस, प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 18 मई से. शायद उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा या फिर प्ले स्टोर पर, ये इसका क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है. तो शायद आपको दोनों जगह चेक करना पड़ेगा, बस वेबसाइट बेटर होगा क्योंकि उधर ही सारे बहुत सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज़ किए जाएंगे. तो वेबसाइट पर ध्यान रखिए 18 मई के आसपास, 18 के दिन. तो शायद ही वेबसाइट क्रैश होने का ख़तरा भी रहेगा, तो ध्यान से चेक कर लीजिए. फिर उसके बाद आपको प्री रजिस्ट्रेशन करने के रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि UC मिल सकता है, स्किन्स मिल सकते हैं, बहुत कुछ. और क्या आप लोग इस गेम के लिए एक्साइटेड हो? क्या आपने पबजी के अलावा कोई गेम दूसरा गेम ट्राई किया उसके बैन के बाद या फिर नहीं, ये भी बताना मुझे कमेंट्स में. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का टारगेट तो कुछ नहीं रखेंगे, कमेंट में बताइए जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं. और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन.